गाइस स्वागत है कॉलेज शुभी के एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज है हमारे सामने टाटा की न्यूली पंच एडवेंचर रिदम 2023 मॉडल, जिसमें हम देखेंगे कि गाड़ी के 2023 मॉडल में क्या गाड़ी में चेंजेस किया, क्या फ्रंट फेस किया रहने वाला है गाड़ी के साथ। गाइस अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो। गाइस आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी और खास खूबी वाली चीज़ें, आप देख सकते हैं गाड़ी के चारों डोर आपको यहाँ पे आपको 90 डिग्री ओपन देखने को मिल पाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ये फीचर इंडिया की अगर बात की जाए कोई भी गाड़ी में अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ टाटा को छोड़। तो गाइज अगर कुछ फ्रंट लुक की बात किया जाए तो कुछ गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल पाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। फ्रंट लुक पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ से आपको एक पेडल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है टर्न इंडिकेटर के साथ। आप यहाँ से आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश की यहाँ पे आपको पैजिंग देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है और नीचे से आपको फॉगलम की हाउसिंग देखने को मिलती है ट्राई एरो डिजाइन के साथ, जो कि आपको एयरडैम भी काफी अच्छा खासा दे रखा है। तो अल्टीमेटली गाड़ी का फ्रंट फेस ही है काफी खूबसूरत आपको देखने को नजर आता है। जैसे कि अगर फ्रंट फेस की बात करें तो आपको मिनी हैरियर की याद दिला देती है ये गाड़ी। अब अगर बात की जाए गाड़ी के 2023 मॉडल के फेसलिफ्ट के बारे में, तो 2023 मॉडल में इंजन को थोड़ा सा रिफाइनमेंट दिया गया है। यहाँ पे RDI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंजन की रिप्लेसमेंट को चेंज किया है और यहाँ पे आपको एयर फिल्टर भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल पाएगा टाटा पंच 2023 मॉडल के साथ। तो गाइज ये कुछ नई अपडेट है आपको 2023 मॉडल में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक 2022 मॉडल में ऐसी कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन 2023 मॉडल में आपको टाटा पंच के साथ कुछ इस तरह से अपडेट देखने को मिल जाएंगी। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल से आपको यहाँ जो कि 15 इंच का टायर साइज देखने को मिल जाएगा विद व्हील कैप के साथ 185/17R15 के साथ, जो कि एक अच्छा खासा टायर साइज यहाँ पे रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखा जाए 187mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल पाता है टाटा पंच के साथ। और अगर आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिल जाता है बॉडी कलर, यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी साइड प्रोफाइल ओवरऑल गाड़ी की देखी जाए तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएगी साइड प्रोफाइल। और माइलेज की अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको 18 से 19 के माइलेज यहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिल पाता है टाटा पंच के साथ विद कस्टमर ऑनरशिप रिव्यू। अगर कुछ देखा जाए रियर लुक गाड़ी का तो कुछ इस तरह से आपको रियर का लुक निकल के देखने को मिल पा रहा है, जो कि कुछ इस तरह से आ रहा है। कुछ रियर का लुक आप देख रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ से आपको एक बार देखना चाहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अपनी गाड़ी में टाटा ने ट्राई एरो डिजाइन को यहाँ पे इंडिकेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ से आपको ट्राई एरो डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको हाईमाउंट टेल लैंप के साथ एक हाईमाउंट टेल लैंप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे टाटा का लोगो और विथ यहाँ पे टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी विथ यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर रिफ्लेक्टर ट्राई एरो डिजाइन के साथ। बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट स्पेस को लेकर, तो यहाँ पे आपको 366 लीटर का बेहतरीन बूट स्पेस देखने को मिल पाएगा। एक अच्छे खासे बूट स्पेस के साथ आपको ये गाड़ी दी गई है। हालांकि एक छोटी सी माइक्रो SUV है जो कि बहुत ही कम प्राइस रेंज में है। तो गाइस जो ये मॉडल है टाटा पंच एडवेंचर रिदम, जिसके अगर एक्सोरूम प्राइस की बात की जाए तो 7,19,900 रुपए का एक्सोरूम प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी की रोड प्रेजेंट भी काफी अच्छी खासी रहने वाली है। और आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं गाड़ी के कुछ साइड प्रोफाइल जो कि कुछ इस तरह से रहती है। अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, इंजन में क्या चेंजेस किए गए, तो एक बार गाड़ी के इंजन को भी देख लिया जाए। इसको भी यहाँ से कर देते हैं बोनट को ओपन और देख लेते हैं कि सच में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल पाएंगे इंजन के साथ, क्योंकि इंजन में अच्छी खासी वर्किंग की गई है और अच्छे खासे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं टाटा पंच का इंजन जो कि 1200 cc इंजन 1.2 लीटर यहाँ पे आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल पाएगा, जो कि रिड्यूस करता है 86 PS की पावर 113 Nm के टॉर्क पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंजन के रिप्लेसमेंट में चेंज किया है, आप 2022 का मॉडल उठा के देखना और 2023 वाला मॉडल उठा के देखना, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एयर फिल्टर में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, इंजन के डिजाइन में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बोलूँ तो गाड़ी के वाइब्रेशन में बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। जो पहले नॉइजी इंजन आता था, थोड़ी सी नॉइज रहती थी या हल्का सा वाइब्रेशन भी रहता था, उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कर दिया गया है कम, क्योंकि अब ड्राइव में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा और कोई भी ऐसा आपको फील नहीं आएगा कि गाड़ी में नॉइज बहुत ज्यादा है। इस चीज को बहुत ही अच्छे तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि टाटा पंच टाटा की एक 5-स्टार रेटिंग गाड़ी है, जो कि अच्छी खासी सेफ्टी स्टार रेटिंग है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो आप नॉर्मली इस गाड़ी को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बजट फ्रेंडली गाड़ी है। और सबसे मेन चीज़ अगर बोला जाए सेफ्टी को लेके, और जो इसका एक सेगमेंट है माइक्रो SUV का, तो सारी चीज़ें फुलफिल कर देता है ये वाला मॉडल भी टाटा पंच एडवेंचर का। लेकिन अगर बात की जाए पूरे टाटा पंच की, तो एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्ट मार्केट में दे रखा है टाटा ने, क्योंकि अगर देखा जाए जनवरी की सेल रिपोर्ट 2023 की, तो यहाँ पे 12,006 गाड़ियाँ लगभग इतनी गाड़ियाँ पर मंथ यहाँ पे सेल की जा रही है।
तो काफी अच्छे खासे सेल्स यूनिट भी गाड़ी के रह रहे हैं। स्पोर्ट के फीचर्स की तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे ऑटोमेटिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको स्टेयरिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल पाएगा। और देखें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली एनालॉग सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरह से वर्किंग पे रहेगा। यहाँ पे आपको कितने फ्यूल में कितने किलोमीटर चलेगी एंड यहाँ पे आपको क्या माइलेज गाड़ी दे रही है और प्रेजेंटली यहाँ पे गाड़ी में कोई डोर ओपन है या फिर कोई बूट ओपन है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल पाएंगी। और म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको हार्मन का देखने को मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे कॉल रिसीव, कॉल कट, वॉल्यूम अप डाउन के सारे कंट्रोल्स के अलावा यहाँ पे आपको रियर कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो, वर्ड थ्री वर्ड एंड अपर कार्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, एसी के ब्लोर्स का डिजाइन काफी सुंदर और काफी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। यूएसबी ऑक्स और 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर देखा जाए गाड़ी का डैशबोर्ड तो ओवरऑल आप देख सकते हैं डुअल टोन के साथ जो डैशबोर्ड का लुक निकल के आता है, मतलब एकदम अल्टीमेटली लुक निकल के आता है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी का लुक देखने को मिल पाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए गाड़ी में टच स्क्रीन को, तो टच स्क्रीन भी यहाँ पे आपको वर्ड थ्री वर्ड के साथ फुल्ली यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी एंड्रॉइड के साथ, यहाँ पे आपको फुल एचडी वीडियो सपोर्टेड डिस्प्ले देखने को मिल पाएगी और साउंड क्वालिटी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। But poor addressing is slowing us down. Driving is frustrating when many of the best places don't have an address. Duplicate street names are confusing. And map pins don't help us find the right entrance. Tata Motors and What 3 Work. So guys, जैसा कि आपने देखा गाड़ी की जो audio quality है बहुत ही शानदार क्योंकि हरमन के साथ है, और जो वीडियो सपोर्टिंग है वो भी काफी अच्छी क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले एचडी वीडियो सपोर्टेड मिल जाती है। तो गाइस कुछ इस तरह से आपने देखा गाड़ी का डैशबोर्ड। अगर देखा जाए गाड़ी के डोर को तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको गाड़ी का डोर नजर आएगा जिसमें यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टल मिरर के साथ पियानो ब्लैक रिमोट सेंटर लॉकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सामने से देख सकते हैं आपको आइडल स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन और यहाँ पे इको मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप यहां से देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी का डैशबोर्ड। लुक काफी अल्टीमेट यहां पे आपको देखने को मिलेगा और डोर जो है अपना पूरा 90 डिग्री ओपन देखने को मिल पाएगा। देखा जाए गाड़ी का रियर कैबिन स्पेस तो आपको कुछ इस तरह से यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा रियर कैबिन स्पेस जो कि काफी बेहतरीन है। यहां पे आपको कैबिन स्पेस देखने को मिलेगा। एक बार बैठ के भी देख लेते हैं तो यहां पे गाइस अगर बैठ के देखा जाए तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा थाई सपोर्ट यहां पे आपको देखने को मिल पा रहा है इस गाड़ी के साथ। तो पीछे से अगर बात की जाए कुछ बैक सीट से गाड़ी के डैशबोर्ड का ओवरव्यू तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है जो कि काफी अल्टीमेट यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।